हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, जो कि क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है उसका सोल्यूशन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमें जस्टिफाई करना है ट्रू या फॉल्स के जो नंबर्स हैं उनको जस्टिफाई करके हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जो इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं क्या। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जो हमारे इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। जो रियल नंबर बनते हैं वो रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, राइट। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर जो अंडर रूट एम है वो हमेशा नेचुरल नंबर रहता है क्या हर एक पॉइंट पे? जो अंडर रूट एम है, इसे यहाँ पे लिखा हुआ एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या जो नंबर लाइन पे जो नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमेशा अंडर रूट एम के फॉर्मेट में होते हैं क्या, जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते अंडर रूट के फॉर्मेट में, राइट। तो सो इस वजह से वो ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें कि क्या जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जो रियल नंबर है इस वजह से केवल इरेशनल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, जो इसका सेकंड क्वेश्चन इसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्क्वायर रूट है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके जो स्क्वायर रूट हैं, क्या वो इरेशनल होते हैं क्या? अगर नहीं तो एग्जाम्पल से आपको बताना है। देखिए कैसे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट जो होता है वो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि इरेशनली हो। क्यों? देखिए जैसे अंडर रूट फोर है, अंडर रूट फोर जो है इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो टू का स्क्वायर रूट होता है, टू का स्क्वायर होता है फोर, राइट। और अंडर रूट फोर का जो स्क्वायर रूट होता है वो टू होता है। वैसे अंडर रूट नाइन जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट थ्री होता है। तो ये देखिए, ये नंबर तो स्क्वायर रूट में है लेकिन ये इरेशनल नहीं है बल्कि रेशनल नंबर है टू और थ्री, राइट। रेशनल नंबर क्यों है इसको भी प्रैक्टिकल आप समझिए कि रेशनल नंबर क्यों है। और देखिए जैसे टू है और थ्री है, रेशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया जा सकता है उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये देखिए टू अपॉन वन, थ्री अपॉन वन, ये एक तरीके के रेशनल नंबर है, राइट। तो इस बात से ये चीज प्रूफ होती है कि जो स्क्वायर रूट होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो पूरे के पूरे इरेशनल हो, राइट। उसमें रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टू और थ्री, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर एक चीज हमसे पूछी जा रही है कि अंडर रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। देखिए नंबर लाइन पे अगर आप अंडर रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने जो ओ ए है ये एक यूनिट हो गई, ये एक यूनिट हो गई, यानी कि कंप्लीट जो ओ ए है वो हमारा दो यूनिट है, राइट। ये कंप्लीट टू यूनिट हमने लिया और ये वन यूनिट लिया। अब ओ ए की वैल्यू, OB की वैल्यू, OA की वैल्यू फाइंड आउट अगर करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें यूज करना होगा। AB की वैल्यू हमने 1 ले ली है जो कि परपेंडिकुलर, राइट, और OB जो है वो 2 यूनिट्स है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा? हमें मिलेगा OA का जो स्क्वायर होता है वो OB का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप इस OA की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब जो OB है इसकी वैल्यू 2 है, AB है इसकी वैल्यू 1 है। तो अब देखिए जैसे ही सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, राइट, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 5, 1। तो 4 और 1 ये हो जाएंगे कंप्लीटली 5, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि OA स्क्वायर की वैल्यू तो 5 हो गई लेकिन OA की वैल्यू अंडर रूट 5 हो गई। अब इस अंडर रूट 5 को ही हमें रिप्रेजेंट करना था, ये जो अंडर रूट 5 है इसे ही हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर। ये अंडर रूट 5 की वैल्यू OA के बराबर है। तो अब हमें करना क्या है, यहां इस O से लेकर के A तक हमें इसको
देखना है कि इसका रेडियस कितना है। अब इतना होगा, अब यहां से लेकर के जैसे ही आप यहां पे करेंगे तो ये सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जब से आप यहां पे ड्रॉ करेंगे इसका लेकर के ओ को सेंटर मानना है और रेडियस लेना है, ओ बी को एज ए रेडियस लेना है राइट, और इंटरसेक्ट करना है सी के ऊपर राइट। जैसे ही ओ ए के बराबर आप लेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि जो अंडर रूट 5 होगा वो कहीं यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा राइट। तो इस तरीके से आप ओ सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस जितना कि हमारा ओ ए के डिस्टेंस के बराबर। तो इस तरीके से आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप कि जो एक्सरसाइज 1.2 है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके कोई डाउट लगता है तो आप ये जो नंबर दिया हुआ इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर प्रीसियस टाइम, थैंक यू सो मच।